हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम के अंदर एक हमारे व्यूअर हैं जिनको दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत क्या है उसको समझिएगा। दिक्कत ये है कि जब भी वो कंपनी अपनी बना रहे हैं और जीएसटी एक्टिवेट कर रहे हैं, जीएसटी को लेकर के ये दिक्कत है। तो जीएसटी एक्टिवेट करने के बाद, जस्ट बाद वहां पर जब वो एंट्री पास कर रहे हैं, चाहे वो सेल्स की एंट्री हो या परचेस की एंट्री हो, तो वहां पर सारी जीएसटी नजर नहीं आ रही है। यानी कि जीएसटी अलग अलग टाइप की होती है, आपको मालूम है, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। ये सारे जीएसटी के स्लैब्स वहां, मतलब ये लिखा हुआ दिखना चाहिए अगर ठीक से एक्टिवेट हुआ है तो, और वो दिख नहीं रहा है। तो यानी कि कहां दिक्कत है, आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो एक कंपनी हम भी क्रिएट करते हैं उनके जैसे, जैसे उन्होंने क्रिएट किया वैसे हम भी एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीएसटी कंपनी के नाम से ही एक कंपनी मैं बना लेता हूँ। ये हो गया जीएसटी कंपनी, ठीक है। और एंटर किया और यहाँ पे न्यू कॉलोनी देवरिया लोकल एड्रेस जो है वो मैं डाल दे रहा हूँ। आपका जो भी एड्रेस होता हो वो डाल दीजिएगा। ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया, कर देते हैं फिर से एक बार, एंटर किया। अब यहाँ पर आएंगे तो स्टेट सेलेक्ट करना जरूरी, तो स्टेट जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका पिन कोड आएगा, बाकी की डिटेल आप भर लीजिएगा। और एंटर करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने की डेट और काम शुरू होने की डेट, ये दोनों रखते हुए एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा। जैसे ही एक्सेप्ट कराते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो, एक नया सिनेरियो आएगा। और यहीं पर आपको सारी सावधानी बरतनी है। यहाँ पे देखिए, ये टैक्सेशन का जो यहाँ पे सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर आना है और इसको आपको यस करना है। और यस करते ही ये विंडो ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आप रेगुलर जीएसटी फाइल करते हैं या कंपोजिशन है या रेगुलर सेल्स है, जो भी आपका नेचर हो वो दे दीजिएगा। एसीज आमतौर पर इसे नो ही रखा जाता है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपका जो भी जीएसटी आई एन बना हो वो जीएसटी आई एन नंबर दे दीजिएगा। यहाँ पे हम मंथली जीएसटी फाइल कर रहे हैं, अगर आपका नेचर क्वार्टरली का है तो क्वार्टरली दे सकते हैं। एंटर करके और इसे एक्सेप्ट करा लेना होता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन दिया गया, देखिए, सेट ऑब्लिक अल्टर कंपनी जीएसटी रेट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स। अगर इसको यस नहीं करेंगे तो जीएसटी आपका कैलकुलेट नहीं होगा, तो इसको भी यस कर लीजिएगा। और यस करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए, दो ऑप्शन तो दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ शो मोर पे जाने पे तीसरा ऑप्शन भी नजर आने लगेगा। पहला ऑप्शन है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, दूसरा ऑप्शन है यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, और तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफाई इन वाउचर, ठीक है। तो फिलहाल हम पहला वाला सेलेक्ट करेंगे, बाकी के दो के बारे में बाद में बात करते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर आपका जो 8 अंकों का एचएसएन कोड होता है उसे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एचएसएन कोड है वो आप डाल दीजिए, एंटर करिए। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है, क्योंकि हमने स्पेसिफाई ही सेलेक्ट किया था, तो यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। और बाय डिफॉल्ट हम 12% का जीएसटी लगा रहे हैं, ठीक है। और थ्रेशहोल्ड लिमिट भी दी गई है, तो यहाँ वैल्यू ऑफ इनवॉइस रख करके और थ्रेशहोल्ड लिमिट 50,000 मैंने रखा है, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट आपको करा लेना, लास्ट तक एंटर 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 करते चले जाना है। अब ये तो हो गई एंट्री, आइए हम चलते हैं परचेस वाउचर में। हालांकि पहले हम रिसिप्ट में जाना चाहिए, लेकिन चलिए हम परचेस में चलते हैं। और यहाँ सप्लायर द्वारा जो बिल दिया गया है उसकी एंट्री करते हैं। और यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का नाम आएगा, यानी सप्लायर पार्टी का नाम आएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सप्लायर 1, ये हो गया सप्लायर 1, एंटर किया। और यहाँ पर आएगा क्या, सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप आएगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर कर लीजिएगा आप, एंटर करिएगा। एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। तो ये एक्सेप्ट करवा लिया, एंटर किया, इसको भी एक्सेप्ट करवा लीजिए। यहाँ पे इनका जो जीएसटीआईएन नंबर है वो डाल दीजिएगा, फिलहाल मैंने स्किप किया है। यहाँ पे एंटर करके और एक लेजर बनाइएगा, किसका, परचेज का। तो ये हो गया परचेज अकाउंट, ये परचेज अकाउंट का एक लेजर क्रिएट किया। इसका ग्रुप भी परचेज ही होता है, तो आपको परचेज ही ग्रुप भी रख लेना है और एंटर कर देना है। एंटर करके नीचे आना है, और नीचे आकर के यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेना है, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब जो जीएसटी है वो हमें देखना है कि जीएसटी कैसे लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, अल्ट सी करके एक स्टॉक आइटम बनाते हैं, और उस स्टॉक आइटम का सपोज कीजिए नाम है शुगर, तो यहाँ शुगर कर दिया, एंटर किया। और यहाँ पे पैकेट वाला शुगर है, तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा ही लगेगा। यहाँ फॉर्मल नेम आपको देना है, जैसे सिंबल होता है ना संकेत की, क्या आप लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये किलो है, तो केजी लिख दिया तो इससे पता चलेगा कि किलो है, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं पूरा नाम इसका किलोग्राम, कर दिया, एंटर कर दिया।
यहाँ पे UQC कोड आता है, UQC का मतलब होता है यूनिट क्वांटिटी कोड, तो आपको UQC कोड यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे UQC कोड KG का होता है KGS, तो यहाँ पे देखिए KGS आ रहा है, किलोग्राम लिखा हुआ आ जाएगा, इसको एंटर करके और यहाँ 3 लिख दीजिएगा और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। स्टैंडर्ड रेट नहीं सेट कर रहा हूँ अभी, और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। ये करवा लिया, अब मान लीजिए आप 20 किलो चीनी परचेस कर रहे हैं और 1 किलो का रेट कितना है 40 रुपये खरीद रेट, ठीक है। और अब नीचे आना है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी जीएसटी का लेजर मौजूद नहीं है, अब यहीं पे दिक्कत आएगी। अल्ट सी कीजिए, सबसे पहले बनाइए सीजीएसटी, एंटर कीजिए। यहाँ पे सही ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमने किया है यहाँ पे और एंटर किया, तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रह गया, लेकिन जीएसटी के स्लैब्स जो खुल के आते हैं वो नहीं आए। अब आप सोचेंगे कि अब गलती कहाँ हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी होती है, ठीक है। आप यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे तो आपको कहीं कोई चीज नजर नहीं आएगी, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर F11 नहीं प्रेस करना है। जब भी यहाँ अंडर में आएंगे तो अंडर में आकर के आपको F12 की प्रेस करनी है। क्या शॉर्टकट प्रेस करना है? F12। और F12 प्रेस करते ही आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट टाइप ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस, ये ऑप्शन जो है नो हो गया है, जिसके चलते सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसको आपको यस करना है, और यस करके कंट्रोल ए करिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ पर अब जीएसटी नजर आने लगेगा, जो जीएसटी नहीं नजर आ रहा था अब वो नजर आने लगेगा। और यहाँ जीएसटी करके और यहाँ कर दीजिएगा सीजीएसटी, ठीक है। और यहाँ पर एंटर करते हुए आइएगा, नॉर्मल राउंडिंग करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, और यहाँ पर देखिए जीएसटी कैलकुलेट भी हो गया। फिर अल्ट सी कीजिएगा और एसजीएसटी करिएगा, ठीक है, एसजीएसटी, ठीक है, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। अगर वो ऑप्शन नो है, ध्यान दीजिएगा F12 करके जो मैंने आपको दिखाया ये वाला ऑप्शन अगर नो रहेगा तो आपको टैक्सेस तो नजर नहीं आएंगे। कैसे होगा ये देखिए, यहाँ पर आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर कोई चीज नजर ही नहीं आएगी, ना चीज किसके अंडर में डालना है, क्या करना है, ये सब चीजें नजर नहीं आएंगी। तो जरूरी है कि आप इसको जो है F12 करके इसको यस रखिएगा। अगर किसी भी तरीके से ये ऑप्शन आपने नो कर दिया तो आपके सामने तो समस्या आनी ही आनी है। तो ये मेरी बात याद रखिएगा कि आपको नो नहीं करना है, इस ऑप्शन को यस रखना है, ठीक है, बाकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। इसी कारण से ये दिखता नहीं है और आप परेशान होते हैं कि दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो ये कारण यही है कि जिसके वजह से ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट रखिएगा, बाकी सब तो ऑटोमेटिक होता चला जाएगा, ठीक है ना। टैक्स डिटेल्स में इसको यस रखिएगा तभी ये नजर आएगा, कंट्रोल ये करिएगा। और अब आइए, अब देखिए ये जीएसटी नजर आएगा तो फिर यहाँ पे अब आप रख सकते हैं ना, सीजीएसटी एसजीएसटी कर दिया। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे तो 48 रुपए जीएसटी आ गया। और यहाँ पे लिख दीजिएगा द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट कर दिया, एंटर करके एक्सेप्ट करा लिया। तो ये वो तरीका है जिससे आप ये काम कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी पूरी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।